अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज की जो मेडिकल स्टोरी है वो अस्तगफरुल्लाह से रिलेटेड है, और माशाल्लाह से मैंने इतनी ज़्यादा मेडिकल स्टोरी इस पर रिसीव की है कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन उन मेडिकल स्टोरी में से ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मेडिकल स्टोरी लगा, इसलिए मैं आपको बयान कर रही हूँ। बहुत ऐसे मेडिकल स्टोरी आते हैं जो दिनचर्या के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोरी होते हैं जो लोग मुझसे दिन भर में शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन मैं चूज उसी को करती हूँ जो मुझे पावरफुल लगता है। हालांकि पढ़ने से हर चीज मिल जाती है और मेडिकल होती है, लेकिन वही वीडियो आपको दिखाई और सुनाई जाती है जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने अस्तगफरुल्लाह का मेडिकल स्टोरी जो है अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करिए और प्लीज वॉच कीजिए। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मेडिकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी, मुझे दुआओं में याद रख रही होंगी। अलीना आपी, मैंने आपसे अस्तगफार का वजीफा लिया था, मतलब मेडिकल हो गया मेरी जिंदगी में। मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मैं चाहती थी उनसे रिश्ते के लिए। मैंने साफ साफ उनको बोल दिया था कि मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं आ रही या कोई मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि मुझे आगे जाने के बाद किसी तरीके का मुझे कोई खौफ, डर या परेशानी पेश आए। मैंने सीधा उनको बोल दिया था कि अगर आपके घर वाले राजी हैं तो मेरे घर में रिश्ता भेजे, और फिर उन्होंने मेरे घर में रिश्ता भेजा। मेरी जो पुप्पो थी वो बहुत ज्यादा इस रिश्ते से नाखुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बेटे से मेरा रिश्ता फिक्स हो जाए। वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी, और मेरे पापा जो हैं अपनी बहन को बहुत ज्यादा मानते थे, और हालांकि वो सब में से बड़ी थी इसलिए पापा कहते थे कि जब वो मान जाएंगी तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा रिश्ता वहीं पर खत्म सा हो गया। मैं बहुत सोचती थी कि अल्लाह मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा रिश्ता इनसे हो जाए। हालांकि मैं चाहती अंदर अंदर थी, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी ये बात, कि मुझे ऐसा लगता था कि ये हराम रिलेशनशिप में आना और हराम चीज में पड़ना ये सही नहीं है, मेरी जिंदगी में सही नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। मैंने हमेशा अल्लाह से हलाल मांगा। मैं ऐसे ही एक दफा यूट्यूब पे बैठी हुई थी और आपका एक जो है वीडियो मेरे सामने आया, तहज्जुद में दुआ कबूल क्यों नहीं होता। मैंने वो क्लिक किया, मैंने पूरी तफसील से वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा आपसे कनेक्शन फील होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मुझे अपना मसला डिस्कस करना चाहिए। हालांकि ये मसला मैं किसी से बयान नहीं करती थी, खुद ही अंदर अंदर रखती थी। क्या पता शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली और उन्होंने आप तक लाया और तहज्जुद मेडिकल तक लाया। मुझे पहले सिस्टम समझ नहीं आ रहा था कि आपसे बात कैसी होगी। मैंने हर नंबर पे ट्राई करके देख लिया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान और मायूस हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपसे बात करना तो शायद किस्मत में नहीं है, क्योंकि आप हर वीडियो में बयान करती थी कि मैं बहुत बिजी हूं, आपका मैसेज मैं देखती हूं, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि हजारों की तादाद में मैं कहां आ पाऊंगी। मैं कहीं ना कहीं मायूस हो चुकी थी और मेरा सब्र भी टूट चुका था। 3 महीना आपको लगातार कांटेक्ट करते करते मैं बहुत मायूस हो चुकी थी। मुझे सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और मैंने आपका छोटा छोटा जो शॉर्ट्स वजीफा आप देती थी वो मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो बात तो नहीं होगी, शायद अल्लाह ताला इसी से कबूल कर ले। एक दिन मैं रात में सो रही थी, 12 बजे आपका कॉल आता है सामने से मुझे। मैं एकदम से नींद से उठी और एकदम परेशान हो गई कि ये नंबर कुछ जाना जाना सा है। फिर मैंने देखा कि ये तो अलीना सिस्टर का नंबर है। मैं खुश हो गई बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैंने फौरन ही आपको कॉल किया। फिर मेरी बात आपसे नहीं हो पाई उस रात, क्योंकि जाहिर सी बात है लेट नाइट हो चुका था। आपने भी मुझे कॉल किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई थी। सुबह होते मैंने आपको खूब मैसेजेस किए, खूब खूब कॉल किए, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद परसों यानी कि 2 दिन के बाद आपका मैसेज आता है। आपने कहा कि कॉल बुक करवा लीजिए अगर बात करनी है तो।
मैंने कहा कैसे होगा सिस्टर, मुझे आपसे बात करनी है बहुत अर्जेंट। आपने मुझे बोला कि ये नंबर है सबा सिस्टर का, आप इनसे बुक करवा लीजिए। मैंने बुकिंग शुरू कर दी, संडे को मेरा नंबर आ गया और फिर आपसे बातचीत होने लग गई। बातचीत हुई और मैंने आपको सारा तफसील से अपनी मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी जो परेशानी थी मेरी, मैंने उसको शेयर किया। आपने मुझे अस्तगफुरुल्लाह का पक्का वजीफा दिया और एक पोटली दी। माशाल्लाह से वो रखते ही और अस्तगफुरुल्लाह का विर्द करते ही सिस्टर मेरी फूफी के दिल के अंदर, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज से हो रहा है, लेकिन शायद आपकी दुआ है, हमारी दुआ है या आपके वजीफे ने काम कर दिया। मेरी पोपी ने एकदम से बोला कि तुम रिश्ता उसको बोलो लेकर आने के लिए दूसरे टाइम, और मैं इतना ज्यादा खुश हो गई। मतलब 50 डेज हुआ था मुझे पढ़ते पढ़ते, 50 दिन के अंदर अंदर मेरा काम बन गया अस्तगफुरुल्लाह से। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल वजीफा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस तरह आपका पढ़वाने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सिर्फ कुरान से है। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हुई और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। अस्तगफार का जो आप वजीफा देती है सिस्टर, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। मुझे प्लीज दुआओं में याद रखिएगा और सिस्टर मेरी जो मिरेकल स्टोरी है जल्द ही शेयर कीजिएगा, मैं वेट करूंगी। थैंक यू सो मच अलीना आपी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है और इंशाल्लाह दिसंबर में मेरी शादी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू तहज्जुद मिरेकल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुआ सिर्फ तहज्जुद मिरेकल से ही कबूल होनी थी और वो हो गई। थैंक यू, यू आर सच अ जेन्युइन पर्सन। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर। माशाल्लाह सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे। अस्तगफार का मैंने बोला ना कि मैं क्या बयान करूं, अगर लोग दिल के गहराई से जाकर अस्तगफुरुल्लाह का वर्द करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज की इनको जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि पढ़ते कैसे है। बहुत सारे यूट्यूब पे डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट तरीका है, तो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें वो चीज नहीं मिल पाती जो उनको चाहत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जी तहज्जुद मिरेकल पे आए और अपनी चाहत ले जाए, इस तरह का मैं कोई बयानी नहीं कर रही। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहें, यकीन रखें, इसी तरह आपको एक दिन मिरेकल स्टोरी सुनवाने का मौका मिलता है। उसी तरह ये सिस्टर का भी मिरेकल स्टोरी ठीक उसी तरह आया जिस तरह हमारे व्यूवर्स का आता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने यकीन रख के अस्तगफुरुल्लाह का वजीफा किया। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और इस यकीन के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला मेरा साथ देगा, बेहतरी की तरफ जाते हैं और बेहतर से बेहतरीन का जो है गुमान करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको वही चीज नवाजता है जो चीज आपको चाहिए होता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला पे यकीन रखिए। जो भी पढ़ रहे हैं आप या कुछ भी कर रहे हो आप, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, और जब अल्लाह पे यकीन तो फिर सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली होने लगता है। और चलिए जी अब कमेंट की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी प्यारी सी कमेंट, और लास्ट में दुआ जरूर होगा। यूजर नेम 1845, गाइस अलीना आवर सिस्टर इज अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कॉन्टेक्टेड हर विथ 2 years ago, I was in such a bad shape. Her wife and with the beautiful stone she mentions, she wasn't lying. I have my cat eye stone and tiger one. Inshallah, will soon get emerald and ruby. She helped my family too. I see my life shifting, mashallah, alhamdulillah, to be better. Thank you, sister Alina. We truly appreciate you. We love you. Keep doing what you're doing, helping us, as we need a lot good people, honest like you. Thank you so much, dear sister. She's from USA and she is very, very nice person as well. Thank you, sister, so much for lovely, lovely comment. Afsha Malik, mashallah. Alina, Allah aapko salamat rakhe. Ameen ji, summa ameen. Aisha 16571, mashallah, God bless you. Thank you, very nice story. Sanju Sheikh Khajira 427, assalamu alaikum to all, please remember me in your dua.
सच्ची दुआ में इनको याद रखिएगा। सिमी स्किंट फ्रॉम यूके, शी इज लव, सुभान अल्लाह इज सच अ पावरफुल जिक्र इंडीड। अलीना डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच। एंड सिमी सिस्टर, यू रियली द क्लोज, मतलब आप सबसे ज्यादा, हालांकि हर मेंबर मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं बिकॉज यू आर विद मी इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। समीर खान, माशाल्लाह, मट्टी गुरफान सिस्टर, यू आर ऑलवेज, मतलब डे वन से ये मेरे साथ है। जब मेरे सब्सक्राइबर जीरो थे तो मेरे व्यूवर्स सिर्फ एक थे, जो ये थी मट्टी गुरफान सिस्टर। थैंक यू सो मच। आज 20K हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मोहब्बत की वजह से, शेयरिंग की वजह से। एक साल में हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं, दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है। सिद्रा बतूल, प्लीज रिमेम्बर मी इन योर प्रेशियस दुआ, यू आर सिस्टर। जवीरा जानवी खान, ओके, माशाल्लाह। ब्यूटी खान, माशाल्लाह। बुशरा सिद्दीकी, अल्लाह हम सब की दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करके कबूल करे, आमीन जी सुम आमीन। लहरीन ए एस टी 6876, या अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, आमीन जी सुम आमीन। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 नेक रिश्ता जो है वो देगा। सैया कोटाकवर, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट बहुत ऐसा नाम होता है जो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। 1969, माशाल्लाह। जेबा 738, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। सबरीन सिस्टर, माशाल्लाह आप ही बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, दुआ में याद रखेगा, ऑलवेज दुआ में याद है आप लोग। इस्तखारा खान, अल्लाह। बट्टी गुरफान सिस्टर, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारी स्टोरी है, नेक जायज दुआ कबूल करे, आमीन जी सुमा आमीन। एंड 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 मैं इसका नाम ले रही हूँ अब, शनाया शेख, माशाल्लाह, ओके। और एक और आ जाए, एक और आ जाए, माशाल्लाह आप ही कमेंट करते हुए खुशी हो रही है, बहुत अच्छी वीडियो है आपकी, लव यू आप ही। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी टीम को बहुत ज्यादा सक्सेस अता फरमाए। सादिया फ्रॉम आई डोंट नो वेयर, बट आई थिंक शी इज फ्रॉम इंडिया। तो थैंक यू सो मच डियर ऑल, अल्लाह ताला ब्लेस यू। बहुत ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं अभी रीड आउट नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत कमेंट्स होते हैं माशाल्लाह से, एंड मैं चाहती हूँ आप लोग की कमेंट पे कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पढ़ने में मजा आए, और कमेंट जब मैं रीड आउट करूँ ना तो फिर आप लोग भी कनेक्ट हो पाए। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।